वो कास्ट तो इसके अंदर बहुत सारे हैं, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, वाणी कपूर, आशुतोष राणा और भी बहुत सारे। सबसे पहले हम एक्टिंग की बात कर लें। हाँ, एक्टिंग में तो इस बार जो ऋतिक रोशन है उनकी एक्टिंग अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है। अब बाकी ने भी, सबने भी बहुत अच्छी की है, वाणी कपूर हो गए, चाहे आशुतोष राणा जी हो गए या टाइगर श्रॉफ हो गए, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग किया। लेकिन ऋतिक रोशन ने तो इस बार बहुत अमेजिंग किया है। इस बार जो उनका अपियरेंस है मूवी के अंदर कमाल का है, कि जो बॉडी है उनका, जो लुक है वो ज़बरदस्त है इस मूवी के अंदर। जब उनकी एंट्री होती है मूवी में, मतलब पूरे थिएटर में सीटियां, तालियों की आवाज़ इतनी ज़बरदस्त, तो देख के एकदम से वो रोंगटे से खड़े नहीं हो जाते, वो हो जाते हैं। उस वक्त तो वही हो गए थे। मूवी में एक्शन सीन बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी सारे नए एक्शन सीन आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। और चेजिंग सीन, जैसे किसी का पीछा करना, वो वाले सीन मुझे अच्छे लगे। और जो इस मूवी में जो इटली के अंदर शूट किया गया और उसके अंदर जो इटली की जो खूबसूरती दिखाई गई, वो ज़बरदस्त मुझे मतलब अट्रैक्ट करती है। बड़ी अच्छी थी यार, वो एक पुल के ऊपर ट्रेन का गुजरना इतना अमेजिंग था ना यार, ज़बरदस्त वो। अब कहानी की बात कर ले, देखो यार, जब मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था ना, तो उस वक्त मैंने प्रिडिक्ट किया था कि यार ये मूवी ना, कि एक सोल्जर होगा जो बागी हो जाता है अपने ही कुछ फील्ड के ऑफिसर के खिलाफ, क्योंकि वो करप्ट होते हैं, और बाद में ये जो ऑफिसर है जो बागी हुआ है, बाद में ये होनर साबित होते हैं। और सरप्राइजिंगली ये जो मैंने सोचा था ना, अरे बिल्कुल वैसे ही निकल गई। मतलब जो मैं सोच रहा था यार ये वो वाली ना निकले, मुझे कुछ नया देखने को मिल जाए, लेकिन देखो यार मुझे तो देख मिला नहीं कहानी के अंदर कुछ अच्छा। मतलब नहीं, ये नहीं कह सकते कि बोरिंग बोरिंग है मूवी, हम देख नहीं सकते, मूवी अच्छी है, लेकिन कहानी के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ आपको नया देखने। यार मेरे हिसाब से तो हर किसी ने गेस तो ये कर लिया होगा कि एक इंसान जो बागी हो जाता है, डेफिनेटली सी बात है लास्ट में वो होने साबित होना ही है, ये तो हर कोई प्रिडिक्ट ही करके बैठा था। और उनकी जो ये आकांक्षाओं पे, जो जिन्होंने प्रिडिक्ट करके बैठे थे, उनकी आकांक्षाओं पे ना ये खरी उतरती है इस टाइम में। अब क्या करें कि अब इस मूवी में ना एक जैसे ट्विस्ट डालने की कोशिश की गई, कि भाई हम किसी और को सस्पेक्ट दिखाते हैं, किसी और के ऊपर शक डालते हैं किसी ऑडियंस का। जैसे कि काफ़ी सारी मूवीज के अंदर मैंने देखा यार, कि एक बंदा जो मतलब छुप छुप के बात कर रहा है, किसी ने उससे फोन पे बात की, जैसे उसका फोन कटा उसने दोबारा से किसी और को फोन मिला दिया। यानी ऐसे ऐसे सीन करने की पूरी कोशिश की जा रही थी ताकि ध्यान जो ना वहां चला जाए। लेकिन यार वो क्या है ना, इतनी हॉलीवुड मूवी और बॉलीवुड मूवी देख चुके हैं ना, पता होता है यार तुम जिसके ऊपर फोकस करवाना चाहते हो वो है ही नहीं असलियत में, कोई और होगा उसकी जगह। अरे वही निकलता है यार, मतलब वो बंदा नहीं होता जिसके ऊपर जो मूवी है वो फोकस करवाने की कोशिश कर रही थी, हाँ इसके ऊपर शक करो, इसके ऊपर शक करो ना, शक तो कोई और ही था, बंदा तो कोई और ही था। मूवी देखोगे ना समझ जाओगे। अब एक मूवी के अंदर ना एक सीन है कि इलायशी इलायशी इलायशी, मुझे नाम प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, पता नहीं कौन था, इलायशी था, इलियायशी था, जो भी था, इलियायशी ऐसे कुछ नाम होता है। वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, मतलब कि फंडिंग देता है, टेररिस्ट ही होता है। तो वो उसको ना फौज देख लेती है, पहचान जाती है, अब उसके पीछे पड़ी होती है। तो अब वो क्या करता है, अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा लेता है और अपना रंग रूप चेंज कर लेता है। यकीन मानो यार, जब मैं थिएटर में बैठा था ना, तब जब इसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी, तब बताया नहीं गया था मूवी के अंदर की प्लास्टिक सर्जरी होगी, वो बाद में आने वाला था सीन, कि भी हाँ यही जो नया बंदा है, यही इलायशी है, यही टेररिस्ट है। वो बताने से पहले ना आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा यार यही बंदा वो है। अब देखो यार मुझे पता चल गया, शायद वो इतनी मूवीज देखने के कारण ऐसा है कि दिमाग यहाँ चलने लग जाते कि यार यही है, मतलब ऑटोमेटिकली माइंड में वो क्या होता है कि वो पुश किया, मुझे तो पता चल गया यार। बाकी आप लोगों का पता नहीं, आपको पता चला नहीं चला। जैसे कि ऋतिक रोशन है इसके अंदर, जिन्होंने कबीर का किरदार निभाया है इसके अंदर, और लास्ट में कबीर और टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ ने खालिद नाम का एक करेक्टर यहाँ पर इस मूवी में निभाया है। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के बीच में लास्ट में ना एक बोट के ऊपर, केरला में बोट के ऊपर बातचीत हो रही होती है, कन्वर्सेशन हो रही होती है, वार्तालाप हो रही होती है। तब क्या होता है, तब यार यकीन मानो यार, तब भी पता चल गया था कि वो टाइगर श्रॉफ ना वहां पे धोखा देने वाला है। अब देखो यार, ये नहीं है कि तुम कहो कि यार अब तुम मूवी देख के आ गया, मूवी देख के अब ये बात बोल रहे हैं, नहीं यार, वो
ये दो सीन जो मैंने देखे थे ना वो ऑटोमेटिकली माइंड में स्टिक कर गए थे यार, हाँ यहाँ पे अब टाइगर श्रॉफ धोखा देने वाला है। वो उस वक्त पता चला कि जब ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ को एक हार्ड डिस्क देता है और जिस नजर से वो देखता है ना और जिस ढंग से वो उसको बोलता है इसको सेफ रखो, इसको बहुत ज्यादा सेफ रखो, तो उसकी तरफ एक इशारा, मतलब माइंड में वो चीज स्टिक कर जाती है यार, हाँ ये बंदा है वो प्यादा यही है वो। लास्ट का मतलब चार जो इसमें गद्दार जो दिखाए जाते हैं, मतलब कि चार जनों के ऊपर शक होता है ऋतिक रोशन को, चौथा वो टाइगर श्रॉफ ही होता है। अब कहोगे स्पॉइलर बता दिया, स्पॉइलर बता दिया, अरे यार जब तुम मूवी देखोगे ना तुम खुद पता चल जाएगा, मतलब जैसे जैसे प्रिडिक्ट आगे मूवी चलती जाएगी ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट करोगे वही सही निकलता चलेगा। यार क्या बताऊँ यार, मतलब जो चीज़ मैंने जो जैसे सोच रहा था हाँ यार ये इसके कोऑर्डिनेशन वो सब निकल गया जो मैंने सोचा था, हाँ ये सरप्राइज भी किया मुझे एक जगह पे, सरप्राइज किया कि भी जो टाइगर श्रॉफ जो हमशक्ल मतलब कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी कराई गई थी किसी और बंदे की, टाइगर श्रॉफ बनाया गया था, टाइगर श्रॉफ को मार दिया जाता है और जो नया जो टाइगर श्रॉफ होता है वो कोई और होता है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करा के उसको टाइगर श्रॉफ का रूप दिया जाता है। ये जो ये नया बंदा था ये कौन था ये मुझे जानकर थोड़ा सा हैरानी हो गई थी, मैं कहा अच्छा यार ऐसा भी था, तो ये कह सकते हो कि हाँ सरप्राइज किया मुझे यहाँ पे मूवी में। और बाकी मूवी के एक्शन तो यार कमाल ही है, लास्ट में जो फाइट होती है ना मुझे वो फाइट बड़ी पसंद आई हाथों वाली ये और एक इसके अंदर एक स्टार्टिंग में एक जो कॉन्सेप्ट इसमें दिखाया गया वो मुझे काफ़ी पसंद आया, जिसमें जो टाइगर श्रॉफ ट्रेनिंग के लिए जाता है ऋतिक रोशन के पास और ऋतिक रोशन बताता है कि जो टाइगर श्रॉफ के जो पिता थे वो गद्दार थे और ऋतिक रोशन ने ही टाइगर श्रॉफ के पिता को मारा था। मूवी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है कोई पता नहीं होता तुम्हारा, मतलब टाइगर श्रॉफ के पिता को ही मारा था यानी खालिद के पिता को मारा था। तो तब भी टाइगर श्रॉफ ये बताता है कि उसमें उसके पिता के गुण नहीं है, उसमें उसकी माँ के गुण है, जो एक वतन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है उन्होंने अपने हस्बैंड से ज़्यादा। जब उनके खालिद की माँ को पता चला कि उनके पति गद्दार है तो उन्होंने सबसे पहले आर्मी को इन्फॉर्म किया और बताया कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया ये वाला चीज़, और खालिद कैसे अपने आप को ये साबित करने में लगा हुआ होता है कि हाँ वो एक सच्चा देशभक्त है, और वाकई में वो साबित भी करता है जब अपनी वो शहीद हो जाता है इस मूवी में, उसको गोली मार देते हैं पीठ पीछे, जब ये मूवी देखोगे तब पता चल जाएगा आप लोगों को। कुल मिला के अगर आप लोगों को इस मूवी के बारे में बताएं तो मूवी अच्छी है, आप देख सकते हैं, एक्शन सीन आपको बहुत अच्छे लगेंगे और चेजिंग सीन हो गया वो भी बहुत अच्छे, लुक भी बहुत अच्छा है इसके अंदर, कहानी भी अच्छी है। तो अगर अब बात करें स्टार देने की, अब देखो यार मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, अब काफ़ी सारे चढ़ जाएंगे यार तूने ऐसे कैसे बोल दिया, तूने कहानी कैसे, तुझे क्या पता ये पता यार ट्विस्ट था उसके अंदर वो था यार देखो यार ऐसा मत करना, करोगे भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। चलो स्टार दे लें तो मेरे हिसाब से इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 7 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मूवी कैसे लगी, और अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए, हाँ मूवी देखी जा सकती है, आप बोर फील नहीं करोगे कहीं पर भी, हाँ बोरिंग है या नहीं है। मुझे मूवी अच्छी लगी, मैंने कहाँ कहीं कोई बोरियत महसूस की, नहीं मैंने कहीं बोरियत महसूस नहीं की इस मूवी में। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली बार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।